आगरा 2 वर्षीय बेटी के संग ट्रेन के आगे कूदी महिला। ट्रेन के आगे मौत की छलांग लगाने से पहले सोशल मीडिया पर किया वीडियो वायरल। ट्रेन के आगे मौत की छलांग लगाने वाली महिला की मौत। 2 वर्षीय बेटी मौत और जिंदगी से कर रही है अस्पताल में संघर्ष। मलपुरा थाना क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे पर ग्राम पंचायत टोरा की निवासिनी आरजू की 3 वर्ष पूर्व अचनेरा के गांव नगला लाल 10 में हुई थी शादी। पति एवं ससुरालीजनों पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप। पति एवं ससुरालीजनों से तंग आकर कोटा राजस्थान में बेटी संग आरजू ने लगाई थी ट्रेन के आगे मौत की छलांग। मैं मरना नहीं चाहती लोकेश, लेकिन मेरे मरने की वजह मुकेश और उसका पूरा परिवार है। मैं ना चाहती हूँ अपनी 2 साल की बेटी को लेकर आज ट्रेन से कट कर मर रही हूँ। और तुझे ये वीडियो इसलिए भेज रही हूँ ताकि तू दुनिया को बता सके कि मैं किसी के साथ भागी नहीं, बल्कि मैंने और मेरी बेटी ने आत्महत्या की है मेरे पति मुकेश और उसकी भाभी की वजह से। मेरा नाम देव सिंह है। अरे क्या मामला है? मेरी बेटी का मर्डर हो गया है। कब हुई थी शादी? शादी 18 फरवरी 2020 को हुई थी। कलेश मेरी लड़की को मेरा दामाद उसके पूरे परिवार वाले टॉर्चर करते दहेज के लिए। क्या कहते थे? ये कहते थे कि मुझे तुम्हें दहेज कम मिला है, मेरे लिए स्विफ्ट कार खरीदो। अपने माँ बाप से लेकर का कई बार उनको हमने पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। कई बार पंचायतें कराने के बावजूद भी उन लोगों ने हमारी बात नहीं भी। मेरी लड़की की शादी मुकेश कुमार सरोप श्री हुबला निवासी नगला लालदास रायवा के साथ हुई थी। सर मेरी बेटी का उन्होंने मर्डर कर दिया है। ये आपको जानकारी कब हुई? मुझे जानकारी 19 तारीख को फोन से मालूम पड़ी थी। क्या मालूम पड़ी? क्या देखा फिर आपने? क्या केवल हमें तो ये मालूम पड़ी थी कि आपकी लड़की जो है वहाँ पर घर छोड़ के चली गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद कॉन्स्टेबल फोन आया कि आपकी लड़की का मर्डर हो गया है। पुलिस कार्रवाई सर हमें नहीं पता क्या हुआ। हमें तो केवल जब वहाँ पहुंचे तो GRP हमें मिली थी वहाँ। क्या क्या मांग करते हो आप लोग? क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले। तो किस पर शक है आपको? मुझे शक क्या है, मेरे पास एक वीडियो आया है, उसमें वो अपने पति और अपने परिवार वालों के द्वारा प्रताड़ित हुई है। वो ऐसा कुछ बता रही है? ऐसा उन्होंने वीडियो में इसलिए भेजा है कि मेरा पति और मेरी जिठानी और जेठ ससुर और नंदेव और जिठानी की लड़की मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। क्या